हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या करियर एकेडमी। आज हम लोग CHSL का 12 तारीख का सारे शिफ्ट का क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट इज SI यूनिट ऑफ जी। तो देखिए, जी एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसका दो SI यूनिट होता है। इसका ऑप्शन मुझे नहीं पता है। इसका SI यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस टू, और दूसरा होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए, ऑप्शन के अनुसार जो होगा आप लोग इसमें देख लीजिएगा। जी को हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। विच कंट्री फ्लैग हैज द ड्रैगन इन इट। तो भूटान एक ऐसा कंट्री है जिसके फ्लैग पर ड्रैगन है। इस तरह आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा क्योंकि और भी कंट्री है जिसके जिसके फ्लैग पर ड्रैगन होता है, मगर ऑप्शन में चार कंट्री में से भूटान ही था जिसके फ्लैग पर ड्रैगन होता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, रैंक ऑफ पाकिस्तान इन पॉपुलेशन। तो देखिए, फिफ्थ रैंक पर है और इसमें देख लीजिए पहला कौन है, तो वह है चाइना। दूसरा कौन है हम लोग का, इंडिया। तीसरा USA। चौथा इंडोनेशिया। तो आप लोग को ये चारों याद रखना होगा क्योंकि यदि फिफ्थ पूछ सकता है तो इसमें से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर द इनडाइजेशन। देखिए, इनडाइजेशन के लिए एंटासाइड यूज करते हैं। अब देखिए, ऑप्शन में ये था एंटासाइड, इसीलिए एंटासाइड यूज किया जाता है। देखिए, इसके अंदर एक मेडिसिन कभी 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 नाम दे देता है, उसका नाम जाने मैलेक्स प्लस। ये पिछले साल दिया गया था कि मैलेक्स प्लस किस चीज़ के लिए यूज होता है, तो वो इंडाइजेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इस बार पूछा गया कि विच टाइप ऑफ मेडिसिन यूज फॉर द इंडाइजेशन, द एंटासाइड। हु रन्स द पार्लियामेंट। देखिए, अब ये क्वेश्चन का ऑप्शन तो मुझे नहीं पता है कि क्या है। तो पार्लियामेंट कौन, तो इस तरह जनरली स्पीकर देखते हैं, लोकसभा के स्पीकर है, ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं या फिर जो स्पीकर होती हैं वही करती हैं, ठीक है। विच प्रोवाइड मोर इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए, मोर इलेक्ट्रिसिटी के लिए इसमें थर्मल पावर जो है ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है इंडिया में, ठीक है। व्हाट डू वी कॉल्ड इलेक्ट्रिकली स्टोर्ड बुक। तो इसको ई बुक बोला जाता है, जो हम लोग जैसे कि लैपटॉप से कोई बुक ई बुक खोलते हैं जो डाउनलोड किया जाता है, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड बुक को हम लोग ई बुक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टाइटल ऑफ बाबर। तो देखिए, बाबर जो था ये टोटल चार टाइटल लिया है, ठीक है। इसने पहला टाइटल लिया था मिर्जा। मिर्जा इसके पिताजी का टाइटल था, ठीक है। कुछ दिन बाद जब वो 13 साल का हुआ तो उसके बाद वो मिर्जा टाइटल छोड़कर दूसरा लिया, बादशाह, ठीक है। दूसरा टाइटल लिया उसके बाद जब वो उसने बैटल ऑफ खानवा खानवा युद्ध जीता था 1527 में, तब उसने टाइटल लिया था गाजी, ठीक है। और चौथा टाइटल हो जाएगा इसका, ये जब यहाँ से सबसे पहले बैटल ऑफ प्लेसी जीता था तो ये अपने जगह पर जब गया था तो वहाँ पर सारे लोग को चांदी का सिक्का दिया था, तो उन लोग ने इसे टाइटल दिया था कलंदर। तो ये चारों टाइटल आपको पता होना चाहिए, इसलिए कि यदि एक पूछ दिया तो और सब भी पूछा जा सकता है, ठीक है। विच वन इज़ रॉन्ग फॉर द गिवन आंसर। अब इसमें से कौन गलत है, तो देखिए, थर्मोमीटर टेम्परेचर के लिए होता है, बैरोमीटर प्रेशर के लिए होता है, और लेंथ जो होता है ये मास के लिए नहीं होता, ये गलत है सी, ठीक है। इंडिया शेयर लार्जेस्ट बाउंड्री विथ विच कंट्री। तो देखिए, इसमें ऑप्शन के अनुसार चाइना होगा। इस तरह इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बांग्लादेश से अपना बाउंड्री शेयर करता है, उसके बाद चाइना से करता है। तो ऑप्शन में बांग्लादेश नहीं है तो चाइना मारेंगे, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट नेबरिंग कंट्री से आया है इस क्वेश्चन आया, इससे इसका ऑप्शन नहीं पता है, मगर इस चीज़ को देख लीजिएगा कि ईस्टर्न मोस्ट हम लोग का जो स्टेट है वो कौन से नेबरिंग कंट्री से सटा हुआ है। जैसे सेवन सिस्टर है, वो लोग किससे सटे हुए हैं, इस चीज़ को देखना ज़रूरी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन ऑल मीडियन ऑफ द सेम साइज ऑफ द ट्रायंगल इज विच टाइप। देखिए, अगर सारा मीडियन ट्रायंगल का सेम हो तो वो किस टाइप का ट्रायंगल होगा, तो वो होगा इक्वी लेटरल ट्रायंगल।
ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड। तो देखिए द्रोणाचार्य अवार्ड, इसमें विनर का नाम दिया है तो ऑप्शन हम लोग को नहीं पता है, तो इसमें 2017 के जितने भी विनर हैं इन सारे के नाम दे दिए हैं, आर गांधी, हीरानंद कटारिया, जी एस एस बी प्रसाद, ब्रिजभूषण मोहंती, पी ए राफेल, संजय चक्रवर्ती और रोशन लाल, ये हैं टोटल सात हैं। ये सातों का नाम याद कर लीजिएगा क्योंकि यदि इसमें से कोई भी ऑप्शन में एक का पूछा गया तो हो सकता है नेक्स्ट पेपर में कोई ना कोई इससे पूछा जाएगा, ठीक है। मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट वो होता है फोलरिन। फोलरिन को क्यों बोला जाता है मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, क्योंकि ये जो होता है ना किसी के साथ अगर ये बॉन्ड बनाता है तो वो इसको फिर अलग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है, इसका बॉन्डिंग बहुत तगड़ा होता है। तो इसके पूरे ग्रुप का देख लीजिए, फोलरिन कोलरिन और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे घटते जाएगा। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फोलरिन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। एज ऑफ कंटेस्टिंग म्यूनसिपल इलेक्शन, म्यूनसिपल इलेक्शन के लिए 21 साल का उम्र ज़रूरी है, ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब देखिए आर्टिकल 266 से क्वेश्चन आया था, ये आर्टिकल किसके लिए होता है, कंसोलिडेटेड फंड के लिए होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए आर्टिकल 266 होता है, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स से क्वेश्चन क्या पूछा गया है ये तो नहीं पता है, मगर होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में कुछ हम लिख दिए हैं। इन इंडिया अबाउट 435 आइटम्स वेयर यूज फॉर कैलकुलेटिंग होलसेल प्राइस इंडेक्स। देखिए जब सबसे पहले 1993 में 435 आइटम कंसिडर किया गया था होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए, मगर फिर बेस ईयर को चेंज किया गया 2004-05 किया गया, उसमें 676 आइटम को रखा गया, ठीक है। और करेंटली द बेस ईयर हैज़ बीन रिसीव फ्रॉम 2004-05 टू, अब फिर बेस ईयर को चेंज कर लिया गया है और अभी 2011-12 बेस ईयर है। किसके द्वारा किया गया, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा। तो बेस ईयर क्या है 2011-2012, ये होलसेल प्राइस इंडेक्स का, ठीक है। और इसमें याद रखिएगा कि आइटम कितना होता है, ठीक है, 676 ये कभी कभी पूछा जा चुका है। अब ऑप्शन इसमें मौजूद नहीं था तो होलसेल प्राइस इंडेक्स का ये टोटल थ्री है, इसी से क्वेश्चन आएगा फिर आएगा। तो देखिए ऑक्सीजन किसके द्वारा शरीर में ले जाया जाता है, ब्लड के द्वारा, और ब्लड में क्या होता है, हेमोग्लोबिन, ठीक है, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैमरा डैम, देखिए कैमरा डैम लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये कैमरा डैम जो है ये है हिमाचल प्रदेश में, और ये किस रावी जो नदी है, रावी नदी के ऊपर है, ठीक है। रावी नदी के ऊपर है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए डिबेट। अब देखिए इसका ऑप्शन तो पता नहीं है कि क्या है, डिबेट का मतलब क्या होता है ये जान जाइए। मनी जो हम लोग, सम ऑफ द मनी ओन्ड, जो मनी हम लोग कमाते हैं उसी को डिबेट बोलते हैं, चाहे जमा किया जाता है उसको डिबेट बोलते हैं। इसका ऑप्शन मेरे पास नहीं है इसलिए ये क्वेश्चन एक बार देख लेना कि डिबेट वेट क्या होता है, ठीक है। लिविन हुक सॉ द फ्री लिविंग सेल, देखिए इसका भी ऑप्शन नहीं है। तो लिविन हुक के बारे में जान जाइए कि लिविन हुक को बोला क्या जाता था, लिविन हुक को बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये लिविंग सेल के लिए जाने जाते थे, ये मधुमक्खी का जो छाता था उस पर काम किए थे ये भी, ठीक है। तो लिविन हुक के बारे में फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जाना जाता है। लिविन हुक के बारे में आप लोग चाहे साइंटिस्ट जो भी हैं उसके बारे में देख लीजिएगा। आफ्टर विच फाइट अकबर अज्यूम द टाइटल गाजी, देखिए ये क्वेश्चन भले ही बता दें कि चार जो टाइटल लिया है, तो गाजी जो टाइटल लिया है वो बैटल ऑफ, देखिए अकबर जो, अकबर टाइटल नहीं लिया है, ये लिए हैं बाबर, बाबर अज्यूम द टाइटल गाजी, गाजी बाबर कब टाइटल लिया है, ये लिया है बैटल ऑफ खानवा के बाद 1527, ठीक है। और एक बात और याद रखिए, पानीपत का युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 1527 में, 1526 में, ठीक है, बैटल ऑफ
1597, चंदेरी का बैटल कब हुआ था 1528, और 1530 में बाबर मर गया था, कहाँ मरा था तो काबुल में उसका दफन हुआ है सब। ठीक है, तो गाजी टाइटल बाबर लिया था, ये बाई मिस्टेक टाइप हो गया, तो बाबर गाजी टाइटल लिया था किसके, बैटल ऑफ खानवा के बाद। इसका चारों टाइटल हम बता चुके हैं कि कौन कौन सा बाबर लिया है। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी अपडेशन ऑफ कमर्शियल टैक्स, तो ये क्वार्टरली होता है। ठीक है, विच वन क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड, एनिसेंट मूवमेंट्स मोनूमेंट्स बिल पास्ट हुआ था जो जनवरी 2000 में, उससे एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन था, हाउ मेनी कंपनी वेयर असाइन द 14 मोनूमेंट, 14 मोनूमेंट के लिए कितने कंपनी को, तो इसका आंसर हो जाएगा सात, सात कंपनी को असाइन किया गया। ठीक है, और देख लीजिए, देखिए डॉस समिट से एक क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन था ये नहीं पता हो सकता है कि डॉस समिट कब हुआ है, तो ये जान जाइए कि 2018 में 23 जनवरी को हुआ था, और इसका ओपनिंग सरमरी भी नरेंद्र मोदी ने किए थे, और इस बार का डॉस का टाइटल है क्रिएटिंग ए शेयर्ड फ्यूचर इन द फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड। देखिए ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि अब डॉस समिट से जब क्वेश्चन आ रहा है तो कुछ ना कुछ पूछा जाएगा हर में। ठीक है, तो ये देख लीजिए कि 18 में 23 से 26 जनवरी तक चला था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। ठीक है, फॉर्मेशन कब हुआ था 1971 में, 47 ईयर्स अगो, यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम के द्वारा। ठीक है, और मोटो क्या होता है, मोटो होता है कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो डॉस समिट के बारे में ये पूरा आप पढ़ लोगे तो आपका सारा हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन फीफा से पूछा गया है, फीफा फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर कौन हुआ इस बार, तो इस क्रिस्टोफर रोनाल्डो हैं, ये पोर्टुगल के हैं, यही है क्रिस्टोफर रोनाल्डो। ठीक है, रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं, इनको परसेंट में इतना वोटिंग हुआ था 43.16। ठीक है, और एक चीज़ और, आप अब देखिए फीफा का फुल फॉर्म क्या होगा, फेडरेशन इंटरनेशनल यू फुटबॉल एसोसिएशन, ये भी पूछा जा सकता है एसएससी में और पूछा भी गया है। ठीक है, अब इसके प्रेसिडेंट कौन है, फीफा के प्रेसिडेंट कौन है, तो गियानी इन्फेंटिनो है, सेक्रेटरी कौन है, फातिमा है, मेंबर कितने हैं टोटल 211, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कौन है, डेविड चुंग, हेड क्वार्टर कहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्विट्जरलैंड में। देखिए ये भी देखिए, दोनों का स्विट्जरलैंड में, डॉस समिट और फीफा का, दोनों का, और डॉस समिट को एक चीज़ ये और याद रखिए, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी बोलते हैं। ठीक है, डॉस को, तो ठीक है, इसका भी हेड क्वार्टर स्विट्जरलैंड और फीफा का भी हेड क्वार्टर स्विट्जरलैंड जूरिच में है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हु कॉल ज्वाइन द सेशन ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, तो स्पीकर बुलाती है दोनों का ज्वाइंट सेशन, किसी बिल पर असहमति हुआ या किसी चीज़ पर असहमति हुआ या फिर इमरजेंसी का कारण, तो दोनों सेशन का ज्वाइंट सेशन स्पीकर द्वारा बुलाया जाता है। अटोमिक प्रिंसिपल कौन दिया था, तो ये डल्टन ने दिए थे। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन बाई वायरन हेस्टिंग, तो इसका ऑप्शन तो मौजूद नहीं है कि वायरन हेस्टिंग ने क्या किया था, मगर वायरन हेस्टिंग के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं कि वायरन हेस्टिंग जो थे, ये सबसे पहला बैंक जो था, बैंक कलकत्ता में इन्होंने ओपनिंग कराया था, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार भी इन्हीं के समय में हुआ, रोहिला वार के लिए बहुत फेमस है ये क्योंकि उसके लिए इनको जेल भी हुआ था। ठीक है, और इनका पीरियड कितना से कितना था, 1772 से 1785 तक, ये फर्स्ट गवर्नर थे, फर्स्ट गवर्नर प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम के पहला गवर्नर थे, और ये इंडिया के गवर्नर भी बने थे, कब से कब तक, तो ये 1772 से 1785 तक। ठीक है, चलिए देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ सेल, रॉबर्ट हुक ने किया है सेल का डिस्कवरी। चलिए ठीक है, वन क्वेश्चन रिलेटेड टू बाबर बैटल, अब देखिए बाबर से हर हर सेट में क्वेश्चन आ रहा है, तो बाबर से अब इसके बारे में कुछ और भी हम लोग जान जाते हैं कि बाबर का पूरा नाम क्या था, बाबर का पूरा नाम था जहीर उद दिन मोहम्मद।
ठीक है। इसका जन्म कब हुआ था बाबर का? ये हुआ था 14 फेब 1483, 14 फरवरी तो याद ही रहेगा, वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है उस दिन, ठीक है। और इसका हम आपको पहले पिछले वीडियो में पीछे इसी इसी वीडियो में पीछे इसका चारों टाइटल के बारे में बता चुके हैं। ये तीन युद्ध किया था, पानीपत का 1526 में, खानवा का 1527 में, चंदेरी का 1528 में और 1530 में ये मर गया था। और इसको दफनाया कहाँ गया? तो काबुल में, ठीक है। इसको कहाँ दफनाया गया? तो काबुल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन रिलेटेड टू बाबर हो गया, ये तो हो गया। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और फेसबुक पर जाकर आप लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी आप मौजूद हैं तो वहाँ से भी आप कुछ कमेंट कर सकते हैं, और नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर आप इसका सॉफ्ट कॉपी के लिए मुझे आपको चाहिए तो आप पूछ सकते हैं।